आज का सीन, मतलब आज का दिन, मतलब मुझे याद है कोरोना के टाइम पे, क्योंकि कोरोना के टाइम पे परसों के दिन 2000 का मैंने डीजल भरा था। तो आप देख सकते हो अभी 157,000। अभी यहाँ पे यार पार्किंग का बहुत बड़ा इश्यू है, तो अभी देखते कहीं पे आगे यार पार्किंग मिलेगा तो पार्किंग में गाड़ी लगाते। 120-130 किलोमीटर के लगभग मेरा आज का पैसेंजर का पिकअप और ड्रॉप हुआ उसका मुझे। तो हे गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मेरा नाम है सचिन और आप सभी का गाइस फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में स्वागत है। तो गाइस मेरी तरफ से और मेरे पूरी फैमिली की तरफ से आप सभी को, मेरे जितने यूट्यूब के फैमिली है उन सभी को मेरे तरफ से गाइस हैप्पी होली। और आज है रंग पंचमी, तो गाइस सुबह से रंग पंचमी का मज़ा अलग ही था फैमिली के साथ में, बच्चों के साथ में, क्योंकि भाई बच्चों लोगों को भी दिखाना जरूरी है हमारी जो कल्चर, हमारी जो संस्कृति, ठीक है। तो बच्चों के साथ में आज सुबह एंजॉय किया और बाद में गाइस ऑलरेडी कल मैंने ये बुकिंग लेके रखा था, क्या है बुकिंग वो तो आपको पता चल ही जाएगा। तो आज तो काफ़ी लोग निकलते हैं ही नहीं काम पे, तो मैंने तो ऑलरेडी बुकिंग ले लिया था। और मैंने क्यों लिया उसका एक रीज़न कि भाई रोड आज खाली होता है, रोड पास ट्रैफिक होता नहीं, पूरा रोड खाली होता है। और ये बुकिंग मुझे मिला है उल्लासनगर से, जो अपना फेवरेट एरिया, तो वहाँ से मुझे बुकिंग मिला है। और अपना डीजल गाड़ी भाई निकल लेके निकल पड़ा हूँ। और सोला आज, और आज सीन ऐसा कुछ भाई वॉश करने वाला आया ही नहीं भाई, सब पूरे मतलब बिल्डिंग के यहाँ पे पानी की फुगा, जो बलून बिलून थे भाई पूरे गाड़ी के कांच में, अभी वो पोछ रहा था भाई, उस पर ग्लास पे अभी दाग लग गए सर। जब कल वॉश वाला वॉश करेगा तभी जाके वो क्लियर होगा, तभी भी एक कपड़ा हल्का सा मैंने मार दिया है और निकल पड़े आज के दिन की शुरुआत करने के लिए। और गाइस दोपहर का भी देख सकते हो 2:20 हो रहे हैं, तो दोपहर के टाइम पे बुकिंग है, क्योंकि सुबह तो इतना जल्दी कोई निकलेगा है नहीं। तो दोपहर का 2 बजे का बुकिंग लिया और अभी निकल पड़ा, देखेंगे आज का दिन कैसा जाता है। और काफ़ी भाइयों ने अपने जो YouTube के जो फैमिली है, जो अपने भाई लोग हैं, उन्होंने काफ़ी मुझे क्वेश्चंस किए इस गाड़ी के बारे में, तो उसका भी मैं आगे जाके इस वीडियो में आपको मैं आंसर दूंगा। तो वीडियो में बने रहना, पैसेंजर का भी कॉल आ रहा है, और वीडियो को एंड तक देखना। और इस चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, भाई को फुल सपोर्ट करना। अभी देखो रोड में आपको बताता हूँ, पूरी तरीके से सन्नाटा पड़ा हुआ है, देख सकते हो गाइस किस तरीके से रोड पे पूरा सन्नाटा छाया हुआ है। जो भाई सुबह जो लोग निकले थे भाई, वो मस्ती भी के एंजॉय करके भाई साहब घर पे अभी आराम कर रहे हैं। तो पब्लिक शाम को शायद रोड पे होगा ट्रैफिक, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है देखते हैं, पता नहीं, मतलब जितना देखिए मुझे लगता है ज़्यादा करके आज तो लोग तो घर पे ही रहते हैं, बट अभी देखते हैं भाई। मुंबई का कुछ भरोसा नहीं है, धूप में भी गर्मी में भी बारिश होता है, मतलब कुछ भाई मुंबई के अंदर भाई बादल, और कल इतना मतलब बादल आ रहा था कि ठीक है देखिए इतना गाड़ी भाई अपना खराब हो। तो ठीक है क्या अभी निकल पड़े, बात हो गया अभी। तो गाइस फाइनली पैसेंजर को पिकअप करके हम लोग आए यहाँ पे जियो वर्ल्ड ड्राइव, जो यहाँ पे एक मॉल है बीकेसी में ही। तो यहाँ पे मैंने अभी जस्ट पैसेंजर को ड्रॉप किया। और भाई आज का सीन, मतलब आज का दिन, मतलब मुझे याद आया कोरोना के टाइम पे, क्योंकि कोरोना के टाइम पे ना भाई रोड पूरे खाली होते थे। मैं रात को तो चलो रोड खाली होता है, बट ऐसा रोड मतलब मुझे लगता है 2 साल पहले मैंने कोरोना में देखा था, मतलब 5-5, 4-4 किलोमीटर तक पूरा रोड दिख रहा है, इतना रोड खाली, चाहे वो नासिक बाईपास रोड हो या थाना हो या बीकेसी हो कोई भी हो। तो आज इतना रोड खाली था, मतलब मुझे 52 किलोमीटर का मुझे कुछ तो 59, मतलब समझ लो 1 घंटा मुझे लगा यहाँ पे बीकेसी में आते आते। तो पैसेंजर को वहाँ पे जियो गार्डन को वहाँ पे मैं लेके गया, वहाँ से फिर यहाँ पे अभी जियो ड्राइव वर्ल्ड यहाँ पे जो मॉल है यहाँ पे मैंने पैसेंजर को अभी जस्ट ड्रॉप किया। और पता नहीं, और ये जो मेरा बुकिंग है ये रेंटल बुकिंग है। काफ़ी लोग बोलते हैं सचिन भाई आप पैसा नहीं बताते, आप कितना पैसा लेते हो, तो भाई आज के वीडियो में मैं पूरा बताऊँगा मैं कहाँ कहाँ जा रहा हूँ और कितना मैंने पैसेंजर को चार्ज किया, ठीक। आज होली के हिसाब से मुझे पैसा अच्छा ही मिला, वो भी आपको बताऊंगा मुझे कितना पैसा मिला, बट अभी कितना किलोमीटर मेरा हो रहा है और कितना किलोमीटर हम रन करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। और आप लोगों को बता दूं कि मैंने जो 2 दिन पहले जो डीजल गाड़ी में भरा था 2000 रुपये का, भाई अभी भी डीजल मेरा चल रहा है, तो मैं आप लोगों को बता दूँ, परसों के दिन 2000 का मैंने डीजल भरा था। तो आप देख सकते हो अभी 157,538 किलोमीटर मेरा अभी तक रन हुआ है। और आप जो नीचे डीजल का पॉइंट देख सकते हो, मतलब 7 पॉइंट था और 3 पॉइंट ख़त्म हो चुके हैं। मेरे हिसाब से लगभग गाइस उस दिन 334 था, मतलब लगभग 204 किलोमीटर गाड़ी अभी तक मेरा गाड़ी चला है, 204 किलोमीटर, ठीक है।
तो 2000 के हिसाब से 200 किलोमीटर गाड़ी चल गया है मेरा, अभी 4 पॉइंट है, मतलब मेरे हिसाब से भाई 400 किलोमीटर तो मेरे हिसाब से गाड़ी चलेगा, मुझे ऐसा अंदाज़ा है। तो देखते हैं अभी कितना किलोमीटर गाड़ी चलता है। और ये जो पैसेंजर को मैंने पिकअप किया था ये उल्लासनगर से किया था, यहाँ पे आते आते 52 किलोमीटर मुझे जियो गार्डन के यहाँ पे लगा, और भाई वहाँ पे 2-5 किलोमीटर घूमा, वहाँ पे वापस यहाँ पे इनको ड्रॉप करते, मतलब जियो गार्डन से यहाँ पे 3 किलोमीटर, मतलब लगभग 5 किलोमीटर, मतलब टोटल 57 किलोमीटर गाड़ी मेरा रन हुआ है। और टोटल ओवरऑल बात करूँ तो मेरा 204 किलोमीटर गाड़ी अभी तक रन हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि इतना डीजल और सीएनजी में फ़र्क पड़ता होगा, अब कितना होगा वो भी अभी हमें टोटल के ही बात पता चलेगा। ठीक है, 2000 के डीजल में हमने कितना गाड़ी किलोमीटर चलाया है, बस यही है कि भाई किधर सीएनजी के लिए रुको मत, नहीं तो हर बार भाई ध्यान सीएनजी पे जावे, किधर सीएनजी भरना है किधर सीएनजी भरना है, तो ऐसा कुछ सीन होता है सीएनजी के इसमें। तो डीजल के इसमें मुझे पता है अभी यहाँ से उनको कहाँ पे जाना है पता नहीं, बट थोड़ा मुंबई दर्शन होगा, मुंबई दर्शन भी नहीं, 1-2 पॉइंट उनको घूमना है, तो कौन सा पॉइंट है वो बताएगी आपको। और इसका मुझे कितना किलोमीटर का पैसा मिला वो भी गाइज मैं आप लोगों को आज के वीडियो में बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना भाई सर। ठीक है, सब चीज़ अभी मैं आपको अर्निंग भी बताते जाऊँगा, काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं सच में पैसा तो बताते जाइए, तो भाई ठीक है पैसा भी मैं आने वाले समय में बताते जाऊँगा, तो प्लीज़ वीडियो को देखते रहना। अभी यहाँ पे पार्क करके खड़ा रखो, मेरे सामने जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल है। ठीक है, तो आपको पता होगा तो मैंने जैसे कि स्टार्ट में ही बताया था भाई आज तो पूरा रोड खाली पड़ा है, पूरा रोड खाली पड़ा है, तो कुछ इससे अपना आज का पूजा भी जाओगे, गाड़ी को क्लीन बिन कर दिए। ठीक है, तो चलो अभी यहाँ पे थोड़ी देर आराम करते फिर मिलते आपसे। गाइज काफ़ी देर बीकेसी में आराम करने बाद गाइज मैं पहुँचा हूँ अभी पैसेंजर को लेके, भाई यहाँ पे गिर गया चौपाटी पे, भाई देख सकते हो क्राउड खतरनाक है, और भाई मस्त भी कि वहाँ पे आराम किया बीकेसी में मैंने। तो गाइज 1 घंटा मस्त भी कि बीकेसी में आराम करने के बाद पैसेंजर का 6 बजे लगभग मुझे फ़ोन है, और पैसेंजर ने बोला फिर हमको जाना है मरीन ड्राइव चौपाटी के यहाँ पे, मैं यहाँ पे लेके अभी गिर गया चौपाटी पे, यहाँ पे पैसेंजर मुझे लगता है आधा 1 घंटा यहाँ पे अभी टाइम पास करेंगे, और जो हमारी घड़ी में अभी जो टाइम बज रहा है 7, मतलब लगभग 7 ही बज गए, 5 मिनट बाकी, और मैं जस्ट अभी पहुँचा यहाँ पे, लकीली अभी पार्किंग मिलता है नहीं, तो यहाँ पे कैसे तो भाई गाड़ी का पार्किंग मिल गया, यहाँ पे 4-5 गाड़ियाँ लगा, मुझे ये भी नहीं पता कि भाई पार्किंग है या नहीं, क्योंकि मैं कभी यहाँ पे गाड़ी लगाता ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे पूरा पुलिस का ताफा रहता है। ठीक है, हर जगह पे यहाँ पे पुलिस खड़ी होती है, अभी यहाँ पे 5-6 गाड़ी लगी है, इसके लिए मैंने यहाँ पे मैंने गाड़ी लगाई, आप देख सकते हो यहाँ पे देखो सामने 4-5 गाड़ियाँ लगी पड़ी है आगे से, इसलिए मैंने कैसे यहाँ पे गाड़ी लगाई है। अब देखते हो उतर के भाई कि भाई पार्किंग है या नहीं करके, ठीक है, नहीं तो पता चला आके भाई पीछे से फाइन मार दिया करके। तो अभी यहाँ पे उतरते आपको थोड़ा चौपाटी का नज़ारा भी दिखाते, रेंटल बुकिंग में भाई आराम बहुत मिलता है, पैसा भी अच्छा मिलता है, मैं तो ये बोलता हूँ भाई जितना हो सके उतना रेंटल लो। ठीक है, और वैसे भी आज के दिन गए ट्रैफिक गए तो मुझे कुछ कहीं पे भी लगा नहीं, हार्डली गए 20 से 22 मिनट में यहाँ पे पहुँच गया, पूरा रोड खाली था पूरा रोड। ठीक है, सीधा सीलिंग से पैसेंजर को लेके, तो सब पैसेंजर के जो भी पैसे टोल और पार्किंग का वो भी मैं आपको सब एंड में गए बताऊँगा। तो यहाँ पे जरा अभी चाय भी पी लेते और बाद में देखते आपको जूही चौपाटी का नज़ारा भी दिखाते हैं। गई जैसे ही मैंने बोला भाई यहाँ पे पार्किंग है या नहीं, भाई पीछे से आ गई फोटो निकालने के लिए, यार कमाल है यार, नसीब बच गया, देखा मैंने मिरर से, मैं बस गाड़ी से उतर ही नहीं वाला था, गाड़ी से मैं उतरने वाला था तो देखा तो भाई पीछे से फोटो निकालने का चालू हो गया भाई साहब। अभी यहाँ पे यार पार्किंग का बहुत बड़ा इशू है, तो अभी देखते कहीं पे आगे यार पार्किंग मिलेगा, तो पार्किंग में गाड़ी लगाते भाई, चाय भी पीना है, यहाँ पे पार्किंग एरिया भी कहाँ पे यार पता नहीं यार अपने का, मैं तो गए ज़्यादा करके यहाँ पे आता ही नहीं, पहले बॉम्बे बोला तो भाई अपना तो भाई दिमाग ही काम नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे एक तो पार्किंग का इतना इश्यू है, गाड़ी खड़ा कर दिए तो भाई देखो सब जगह पे सीधा बोर्ड तो लगाया हुआ ही, देखो पार्किंग का बोर्ड लगाया कि नहीं भाई नहीं लगा सकते, फालतू में आके भाई 2000 का फाइन मारेंगे 1000 का फाइन मारेंगे, क्या पता इनके मूड के ऊपर है, तो उससे अच्छा चलो भाई आगे निकलते आगे यार, अब लगाएंगे देखो कहीं ना कहीं तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि पैसेंजर भी भाई 1 घंटे के पहले तो आने वाला है नहीं यार। चलो ठीक है देखते यहाँ पे कहीं पे तो आगे लगाते भाई, 2000 बचाने के चक्कर में इतना घूमना पड़ता है, और वो सही है कि भाई नहीं तो पता चला थोड़ा घूम लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं भाई सब, नहीं तो पता चला सीधा सीधा 1000-2000 का फाइन। तो अभी यहाँ पे हाँ लेफ्ट साइड में लगा देते, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं वाल किशोर यहाँ पे, चलो भाई साहब यहाँ पे है भाई, यहाँ पे चाय भी पीने मिलेगा अपने को, कोई दिक्कत है नहीं, चलो यहाँ पे है जगह मेरे को पता है,
देखो कितना दूर आके घूमना पड़ता है भाई। पार्किंग किधर है मुझे नहीं पता है यहाँ पे, तो यहाँ पे आगे है, चाय भी पीने मिलेगा हमको, तो चाय भी पीते हैं फटाफट। फाइनली मैं आ गया गाइस मरीन ड्राइव अपना जूही चौपाटी से पैसेंजर को पिकअप करके, वहाँ पे एक आधा घंटा वहाँ पे रुका भाई साहब, और पैसेंजर ने फिर कॉल किया, बोला हमको मरीन ड्राइव जाना है सामने, तो वहाँ पे ट्रिडेंट हॉल के होटल के सामने उनको मैंने अभी छोड़ दिया भाई साहब। लेकिन आज पार्किंग का बहुत बड़ा इशू है, आज रोड देख सकते हो पूरी तरीके से रोड पूरा देखो खाली। तो भाई मैं आया हूँ यहाँ पे लेफ्ट टर्न मार्किंग होता चलो भाई यहाँ पे पार्किंग होता है, और आज इतना कुछ भी गर्दी नहीं होती भाई साहब, ये सब लाइन से भरा पड़ा रहता है। अगर ऑफिस वर्क का टाइम होता है ये सब जाए भाई भरा पड़ रहा है। अपना सामने देख सकते हो भाई साहब अपना गाड़ी है यहाँ पे, ये होटल के बाहर ही मैंने लगा दिया। और भाई साहब आज पता नहीं पुलिस वाले लोग का तो भाई इतने बैरक लगे हर जगह पे कि जैसे कि नाकाबंदी, मतलब बोलते ना सुबह जो भाई एकदम टल्ली वाले लोग रहेंगे तो घूमने के लिए बाइक वाले बाइक पर घूमते रहेंगे, तो भाई साहब ज़्यादा करके उनको ही पकड़ रहे बाइक वाले भाई। तो इसके लिए भाई मैं बोला भाई सेफ जगह पर पार्किंग लगाते मतलब हमको भी दिक्कत नहीं, यहाँ पे अपना गाड़ी पार्क है, यहाँ पे भी रुके। और घड़ी में गाइज देख सकते हो भाई साहब आप घड़ी में देख सकते हो 9:10 बाकी है गाइज, और यहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ, तो अभी देखते कब तक यहाँ पे, मतलब अभी पैसेंजर को पता नहीं अभी कहाँ पे जाने उनके, वो उनको हिसाब से उनको घूमना बस आके यहाँ पे घूम रहे, तो आधा घंटे यहाँ पे लगेगा। रेंटल में एक ही होता है गाइज, बस ज़्यादा अगर गाड़ी घूमता है नहीं ठीक है, मतलब एक बार अगर पैसेंजर को कहीं पर ड्रॉप कर दे फिर आधा एक घंटा वहाँ पर आराम कर लो। वहाँ पे पहले मैंने BKC में वहाँ पे गाड़ी पैसेंजर को ड्रॉप किया था एक घंटा, उसके बाद में चौपाटी जो गिरगांव चौपाटी, उसके बाद में भाई मरीन ड्राइव, तो बाजू बाजू में था दो ढाई किलोमीटर था, तो वहाँ से अभी यहाँ पे आया हूँ मैं भाई। अपनी गाड़ी का सेफ देख रहा कि भाई किधर फाइन नहीं मार दे, इसलिए मैं पहले भले गाड़ी को 2 किलोमीटर लंबा जावे लेकिन गाड़ी को सही तरीके से पार्क करो, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत है नहीं भाई, सेफ जगह अपना गाड़ी पार्किंग है। तो अभी देखते हैं अभी पैसेंजर का कॉल है, तो अभी इसके बाद में कहाँ पे जाना है तब उसके बाद में बताऊंगा मैं आपको कि कितना किलोमीटर मेरा और कितना मुझे पैसा मिला। गाइस ये देखो यार अपना गाड़ी किधर घुसा दिया भाई अपन ने, भाई अपन आ गए अभी ये भिवंडी बाईपास रोड पे, सॉरी नासिक बाईपास रोड पे अपना ये रुक्मिणी होटल है, यहाँ पे मैं आया हूँ। पैसेंजर ने बहुत ये किया कि भाई आप भी चलो खाना खाने के लिए, तो भाई मैंने मना कर दिया, मैं बोला भाई नहीं मेरा तो फास्ट है भाई घर पे जाके खोलना पड़ेगा। ये देखो भाई सामने सामने क्या क्या बन रहे, गुलाब जामुन जलेबी क्या क्या बन रहे भाई साहब, काफ़ी बड़ा होटल है यार, कभी आना पड़ेगा देखो। और बारिश का ये देखो पूरा कांच देखो कितना खराब हो गया भाई साहब ठीक है, तो यहाँ पे पूरा होटल है। और भाई साहब आपको बता रहा हूँ मेरे जो किलोमीटर हो गया लगभग अभी गाइस 300 किलोमीटर मेरे ख्याल से, अभी 15 और किलोमीटर हो जाएगा तो मेरे ख्याल से 300 किलोमीटर राउंड फिगर हो जाएगा, और अभी भी 2 पॉइंट मतलब मेरा डीजल है ठीक है, और जो मैंने भराया था 2000 का 21.5 लीटर, तो अच्छा मेरे हिसाब से चल गया। आप लोग भी ज़रा कमेंट करके बताना ज़रा कि भाई मतलब बराबर एवरेज दे रहा है नहीं, और आप लोग भी इसका एवरेज निकाल के मुझे बताओ कि क्या एवरेज इसका माइलेज जो गाड़ी दे रहा है ठीक है। मतलब मुझे अभी भी लग रहा है ये लगभग 50 से 70 किलोमीटर चला, मतलब ये टोटल 400 किलोमीटर गाड़ी मेरे हिसाब से चलना चाहिए मुझे ऐसा लगता है, 400 पौने 400। तो कमेंट करके बताना भाई, लेकिन एक चीज़ है CNG का बार बार देखने का ज़रूरत नहीं, एक पॉइंट आराम से 30 से 40 किलोमीटर चलता है इसके अंदर, तो भाई बार बार CNG देखने का हमें कोई ज़रूरत नहीं। अगर के CNG होता ना तो बार बार नज़र CNG पंप पे जाता था कि भाई CNG जा रहा है, CNG खत्म हो रहा है, CNG खत्म हो रहा है, तो इसके लिए मैं कभी कभी बॉम्बे की ट्रिप नहीं लाता था भाई, CNG के जैसे बॉम्बे जाना मतलब बहुत सर पे दर्द है ठीक है, तो डीजल तो चल ही रहा अच्छा खासा। तो अभी इसका एक माइलेज निकाल लेंगे हम लोग कि कितना गाड़ी हमारा एवरेज दे रहा है। तो अभी फिलहाल मैं रुक्मिणी होटल नासिक बाईपास पे, और यहाँ पे अभी लगते हैं उनको आधा एक घंटा लग जाएगा। और घड़ी में देख सकते हो गैस, आपको मैं कैमरा करके बताता हूँ 10:59 हो रहा है गैस, 10:59 ठीक है। तो अभी भाई साहब वो अभी यहाँ पे आराम कर रहे हैं, कस्टमर काफ़ी रिक्वेस्ट किया मतलब फोर्स किया कि चलो अभी चलो यहीं पे फास्ट खोल दो, मैं बोला भाई नहीं करके मंगलवार है भाई घर पे जाके फास्ट खोलेंगे ठीक है, अभी लगता है मुझे जाते जाते 12 बज जाएंगे करके, तो ठीक है कोई बात नहीं। और दूसरी बात ये बोलना चाह रहा हूँ मैं कि गाइस कल मुझे भाई ने कमेंट किया कि सचिन भाई आपने तो बताया कि अपना ओला का आईडी चालू नहीं हो गया, फिर उबेर का ट्रिप आपने लिया कैसा, तो भाई साहब बता दूँ मैं अभी भी मेरा ओला और उबेर का आईडी चालू नहीं हुआ है, पता नहीं उबेर वाला पासवर्ड मांग रहा है
और ओला गाड़ी क्यों नहीं चालू हो रहा, तो ओला गाड़ी इसके लिए नहीं चालू हो रहा है कि भाई जो जिसके पहले जो इस गाड़ी पे ओला उबेर चला रहा था, तो ओला का कुछ तो पेनल्टी बाकी है लगभग 1500 से 2000 बाकी, तो उसको क्लियर करेंगे तब तो मेरा आईडी अटैच होगा। तो भाई ऐसा कुछ सीन, अगर ओला का पेंडिंग रहेगा तो ओला नया गाड़ी नया ड्राइवर आईडी अटैच करता नहीं, अगर उस गाड़ी पे अगर मतलब उस गाड़ी पे या किसी आईडी पे पहले का अगर पैसा बाकी होगा तो उस दिन मैंने क्या किया, जो मेरा पहले वाला आईडी था मतलब जो मैं गाड़ी चला रहा था 5141, उस दोनों आईडी मेरा चालू था क्योंकि गाड़ी मेरे पास है, अभी भी गाड़ी दिया नहीं, गाड़ी देना है मुझे, तो दोनों ओला उबेर दोनों मेरा आईडी चालू था, तो उसी के ऊपर मैंने उबेर का ट्रिप मैंने कंप्लीट किया था। ठीक है, तो एक भाई ने मैंने क्योंकि मैंने वीडियो बताया था कि भाई मेरा अभी ओला उबेर आईडी चालू नहीं हुआ करके, आईडी अभी तक नहीं चालू हुआ, बट मैंने वही जूना आईडी मेरा लॉगिन कर दिया, लॉगिन हो गया, तो दोनों पे मैंने उबेर पे मैंने ट्रिप एक ही ट्रिप 3 दिन में मुझे एक ही ट्रिप मैंने कंप्लीट किया, बाकी कोई ट्रिप अभी तक कंप्लीट नहीं किया। शायद कल मेरा ओला और उबेर का हो जाएगा ऐसा मुझे लग रहा है, देखते, बट भाई ओला उबेर है ना जरूरी, नहीं तो भाई मतलब ओला उबेर में तो ये गाड़ी चला कि मतलब ये नहीं डीजल गाड़ी भाई, ये तो पक्का है। तो काफी लोगों का जो मन में डाउट है डीजल ओला उबेर में चलेगा क्या, भाई मेरे हिसाब से तो नहीं चलेगा मेरे हिसाब से तो, बाकी सीएनजी चल जाए लेकिन डीजल तो भाई नहीं चले मेरे हिसाब से तो। मतलब 2000 में भाई अपना गाड़ी लगभग 400 किलोमीटर चलते हैं, अगर मैं 700 रुपये का सीएनजी भरता तो मुझे लगता है 150 किलोमीटर गाड़ी चलते हैं, 1400 का समझो 300 मतलब वही 450 वही मतलब लगभग 40 से 50 से 60 किलोमीटर का फर्क गिरता है बस उतना ही। लेकिन ये है कि सीएनजी में गाइस हमें पेट्रोल भी डालना पड़ता है, मतलब हमारा पूरे महीने भर में देखने जाओ तो 3000 का तो पेट्रोल जाता है, इतना तो बात पक्का मेरे हिसाब से जो मैंने 5 महीने में सीएनजी गाड़ी चला तो 3000-3500 का पेट्रोल तो जाता ही है, मतलब हफ्ते में 500-700 भरना ही भरना है उसके अंदर। ठीक है, कभी इमरजेंसी भाई सीएनजी खत्म हो गया तो भाई पेट्रोल पे गाड़ी चलता है, तो 3000 तो मिनिमम पकड़ के चलो, 3000 को तो पेट्रोल गाड़ी के अंदर चलता ही है। ठीक है, ये डीजल का अच्छा भाई 2000 में लगभग अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं, तो अच्छा लगा। अभी इसके माइलेज देखेंगे कितना माइलेज दे रहा है, कस्टमर को शायद आधा पौना घंटा लग गया, तब तक जहाँ जब भी टाइम मिल रहा है आराम करने का, अपना काम है आराम करते फिर मिलते और देखते कितना देर घर पे पहुँचते और इसका हमें कितना पैसा मिलता है। तो हे गाइस फाइनली पैसेंजर को हमने अभी ड्रॉप कर दिया, देखो भाई साहब जय झूलेलाल प्रवेश द्वार उल्लास नगर। गाइस यार पैसेंजर ने यार इतना लंबा चौड़ा लेट किया ना भाई साहब कि क्या बोले ही, तो मेरा तो एक तो फास्ट था, मुझे 12 बजे के पहले फास्ट छोड़ना था, बट भाई काम अपना ऐसा होता है कि देख सकते हो भाई गाइस घड़ी में 1:26 हो रहे और जस्ट अभी पैसेंजर को ड्रॉप किया हो। और गाइस यहाँ से अभी मुझे निकलना है घर के लिए, मतलब लगभग गाइस 2 बजेंगे मुझे घर पे पहुँचते। अभी क्या बोलेंगे पैसेंजर को, मैंने होटल में था तभी कॉल किया था और उनका मुझे रिप्लाई है कि अभी तक मतलब जो उनका खाना ऑर्डर किया था वो आया ही नहीं था भाई साहब, लगभग 2 घंटे उन्होंने वहाँ पे करा पूरा, मतलब क्या बोले अभी तो वहाँ पे पैसेंजर को भी गाइस 2 घंटे लग गए, फिर वहाँ से भाई पिकअप करके उनका 2 ड्रॉप था उल्लासनगर में, दोनों जगह पे पैसेंजर को ड्रॉप करके यहाँ पे मैं जस्ट निकल रहा हूँ घर पे। और बता दूँ गाइस आज का जो मेरा अर्निंग हुआ, काफ़ी लोग बोलते सचिन भाई अर्निंग बताओ, तो गाइस ये मैंने ये रेंटल बुकिंग लिया था। ठीक है, तो रेंटल बुकिंग मतलब गाड़ी मेरा लगभग 130 किलोमीटर की लगभग गाड़ी मेरा चला हुआ, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि जाते समय मुझे 55 किलोमीटर लगा यहाँ से उल्लासनगर से बिके सी, वहाँ से गए जुहू चौपाटी, सॉरी वहाँ से गए गिरगांव चौपाटी, मुझे कुछ तो 19 किलोमीटर लगा था सीलिंग से हम लोग गए थे, और लगभग टोटल 75 किलोमीटर वहाँ से गए 5 किलोमीटर फिर मरीन ड्राइव मतलब पूरा घूम फिर के। ठीक है, 80 किलोमीटर के बाद यहाँ पे जो मैंने ढाबा लेके आया था रुकमणी फ्रीवे से में आया था, तो लगभग उसका 42 किलोमीटर, और वहाँ से गाइस उल्लासनगर लगभग 12, तो 120-130 किलोमीटर के लगभग मेरा आज का पैसेंजर का पिकअप और ड्रॉप हुआ, और उसका मुझे 4000 रुपीज प्लस जो भी सीलिंग का नॉर्मल टोल वो सब एक्स्ट्रा, तो सीलिंग का तो पैसेंजर ने दे दिया और इधर का पैसेंजर ने दे दिया, तो गाइस 4000 प्लस टोल का 130 किलोमीटर का मुझे उसका अर्निंग हुआ। काफ़ी लोग बोलते हैं सचिन भाई कितना पैसा होता है, तो आप बताते जी, तो आज इसके आज में बोला चलो बता दो, तो 4000 रुपीज मैंने रेंटल का लिया है। और अभी गाइस देख सकते हो ये रहा भाई उल्ला अपना, अभी यहाँ से अंबरनाथ से हम अभी निकल रहे बाहर, और गाइस 129 हो गया, 2 बजेंगे गाइस घर पे पहुँचते। तो ठीक है, आज का दिन भाई सब अच्छे है, मतलब मेहनत कम लगा बस टाइम ज़्यादा चला गया, बट ठीक है भाई, हमारा डीजल अभी भी 2 पॉइंट बचा हुआ है और डीजल मुझे लगता है गाइस 400 किलोमीटर क्रॉस कर देगा, तो भाई 400 किलोमीटर की मेरे हिसाब से
21 लीटर डीजल मेरे हिसाब से सही है, मुझे ऐसा लगता है। तो आप लोग भी गाइस कमेंट करके जरूर बताना और माइलेज आप लोग भी बताने आप लोग भी गले तो गाइस आप लोग भी बताना कि क्या माइलेज दे रहे हैं। जैसे मैं आपको बताया अभी फिलहाल 157.641 और जब मैंने डीजल भरा था तब का मेरा था 157.334 और अभी 641। तो आप समझ लो अभी मेरे ख्याल से लगता है 307 किलोमीटर लगभग गाड़ी चला है और 2 पॉइंट में मेरे ख्याल से 90-80 किलोमीटर गाड़ी चलना चाहिए। तो देखते हैं जो भी हमको डायरेक्ट विद प्रूफ दिखाएंगे, ठीक है। तो अर्निंग तो आज एक ही ट्रिप का मेरा कंप्लीट हो चुका है, वो अच्छा ट्रिप मिला था, बस थोड़ा लेट हो गया, काफ़ी लेट हो गया, ठीक है कोई बात नहीं भाई, पैसे मिलते तो भाई काम करने में क्या दिक्कत है। वैसे भी ट्रैफिक आज कहीं भी नहीं लगा, ट्रैफिक पूरा रोड खाली था, और इसलिए इतना कुछ थकावट लगा नहीं, और जब जब टाइम मिला तब तक गई मैंने आराम कर लिया, ठीक है। तो अभी यहाँ से ही निकलते घर पे। आई होप आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। काफ़ी लोग बोलते हैं सचिन भाई अर्निंग नहीं बताते, तो अर्निंग में भाई मैंने बता दिया मैं क्या पैसे लेता हूँ, ठीक है गाइस। तो बताना जरूर कमेंट करके। अब यहाँ से निकलते घर पे, मिलते कल एक नए ब्लॉग में नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय।